जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी, यानी कि अगर अभी तक आपको ये मालूम नहीं हुआ कि कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो आप मेरी अन्य वीडियो देख लीजिए जिसमें कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी दी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो लिंक ओपन करके वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको उस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, तो आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अब दोस्तों मैं आपसे साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यह वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर दिया गया अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको आना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर एक तरफ दिया गया क्रिएट एन अकाउंट और दूसरी तरफ है लॉगिन, यानी कि अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हो, पर अभी हम फ्रेशर है तो हमको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए आपको यहां पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ आएगा। यहाँ पर दिया गया है रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी और दूसरा है रजिस्टर विदाउट आधार। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर विदाउट आधार पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद कुछ और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहला है गवर्नमेंट स्टेट इश्यूड फोटो आईडी, इनमें से आपको कोई एक आईडी चुन लेनी है, जिसमें कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो, या फिर पासपोर्ट। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड चूज कर लेता हूँ। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस चूज कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो आप 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट भी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो आईडी नंबर, यानी कि जो आपका पैन कार्ड नंबर है, वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर भर देता हूँ, BVDPA 5295, और जी मैंने अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको अपलोड सिलेक्टेड फ़ोटो आईडी स्कैन कॉपी, यानी कि मैंने यहां पर जो आईडी सिलेक्ट की है वो पैन कार्ड है और उसका नंबर भी मैंने यहां पर फिल कर दिया है। अब मुझको ये अपलोड भी करना होगा। तो आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी आईडी आपने यहां से सिलेक्ट की है उस आईडी की फ़ोटो आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। मैं अभी यहां पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूं। इसके बाद अपलोड एड्रेस प्रूफ, अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप अपने जो आधार कार्ड है वो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड में आपका एड्रेस दिया हुआ होता है। आप वोटर कार्ड जो होता है वो भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर भी एक रैंडम इमेज ही अपलोड करने वाला हूँ, और जो भी आप इमेज अपलोड करो उसका साइज 150 KB से कम ही रखिएगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ से कैप्चा कोड फिलअप कर देना है, जो भी आपके यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो वही कैप्चा कोड आपको वहाँ पर भर देना। ये कैप्चा कोड सभी के वक्त अलग अलग होगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये करने के बाद आपको चेक कर लेना कि आपके द्वारा जानकारी सही भी है या नहीं। अगर आपको लगे बिल्कुल सही है तो आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम भर देना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है वो आपको यहाँ पर भर देना है, अगर नहीं है आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर भर देना है, तो मैं यहाँ पर अपना लास्ट नेम भर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, और मैं आपको बता दूँ कि आपको अपना मोबाइल नंबर जो यहाँ पर फिल करोगे वो वर्किंग होना चाहिए, जिस पर आप अगर कोई भी मैसेज आए उसको रिसीव कर सको। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम मोबाइल नंबर भरने वाला हूँ, तो ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो आप इस पर कॉल मत कीजिएगा। फादर नेम यहाँ पर आपको भर देना है, आपको इस प्रकार से अपना फादर नेम भर देना है। अगर आपको कोई गार्जियन है तो आपको गार्जियन नेम यहाँ पर दे देना है। जो आपका पैन कार्ड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करने वाला हूँ। इस प्रकार से आपको ईयर सिलेक्ट करना है कि आपका जन्म किस ईयर में हुआ है, और यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से मई सिलेक्ट करता हूँ और डेट मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
अब आपको आपसे नेशनलिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप दूसरी किसी नेपलीज या भूटानीज हो तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डोमोसाइल, आपके पास डोमोसाइल किस स्टेट का है, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास किस स्टेट से है। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मैरिटियल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लोग अप्लाई कर पाएंगे उनका सिंगल होना जरूरी है, अगर आप मैरिड हुए तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क वो होता है कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं पहचान योग्य मार्क है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, और ये ऑप्शन आपको फिल करना ही होगा, क्योंकि किसी के शरीर पे कहीं पर कोई भी जले कटे या फिर कैसा भी निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर एक निशान है तो आपको पहले पहले ऑप्शन के अंदर लिख देना है, अगर दो है तो आपको उसके अंदर लिख देना है, और ये लिखना ही होगा क्योंकि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। जिस भी ऑप्शन के सामने स्टार का चिन्ह होता है उस ऑप्शन को भरना जरूरी होता है। अब ये भरने के बाद आपको अपनी सभी जानकारी चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है और अब एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा नोट फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बी बी टैक शुड सिलेक्ट बी बी टैक, यानी कि जो फाइनल ईयर में है बी या बी टैक के उन्हें भी बी बी टैक ही सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपसे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना कि आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, तो इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं यहाँ से 12th साइन चूज कर लेता हूँ। इसके बाद हाईएस्ट स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम क्या है, तो मेरी स्ट्रीम थी पीसीएम, तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है इनमें से जो यहाँ पर दिया गया है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम एनआईएस, मैथ्स इन बीएससी, फिजिक्स इन बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फाइनेंस, अगर इनमें से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है आप उसको चूज कर सकते हो। अगर आप चूज भी नहीं करते तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको चूज नहीं करने वाला और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। अब मैं अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग ईमेल आईडी ही फिल करनी होगी, आपको यहाँ पर कोई ऐसी ईमेल आईडी फिलअप नहीं करनी है जिसका पासवर्ड आपको याद ना हो, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जा सकता है, और आगे की जो आपकी फर्दर बातचीत होगी इंडियन नेवी के साथ वो ईमेल के माध्यम से ही होगी। इसके बाद आपको यहाँ से अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो आपको अपनी मनपसंद से पासवर्ड चूज कर लेना है। उस पासवर्ड को आपको एक बार यहाँ से कंफर्म भी कर देना है, तो चलिए मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। इसके बाद एंटर द टेक्स्ट शोन इन दी बिलो पेज, जो यहाँ पर टेक्स्ट है ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं पासवर्ड यहाँ पर दोबारा GODISGREAT1, तो मैंने पासवर्ड फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है, तो चलिए मैं कैप्चा कोड भी यहाँ से फिलअप कर दे रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से फिलअप कर देना है। और करने के बाद आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी आपको यहाँ से चेक कर लेनी है और फिर नीचे आना है। यहाँ पर कुछ दिया गया है कि सब्सक्राइब टू एंट्री अलर्ट्स, आई एग्री टू सब्सक्राइब टू अलर्ट्स फॉर एंट्री ओपनिंग्स, यानी कि जो एंट्री ओपनिंग्स होती है क्या आप उनके अलर्ट्स पाना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर आई एग्री करोगे तो आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से मैसेज आते रहेंगे इंडियन नेवी की तरफ से, और आपको अगर नहीं करना है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। तो इसके जो नीचे की तरफ है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपको करना ही होगा, तो इसके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ। और प्रीफर्ड एसएमएस लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में एसएमएस पाना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, तो मैंने इंग्लिश चूज कर ली है। और करने के बाद मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों सेव पर क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इफ नॉट वेरीफाइड विद इन 24 आवर योर अकाउंट विल बी डिलीटेड, यानी कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है और कुछ इंस्ट्रक्शन या एक ईमेल आपकी ईमेल आईडी के ऊपर गई है, जो आपने ईमेल आईडी यहां पर भरी थी उस ईमेल आईडी को ओपन करके आपको वहां पर वेरीफाई करना होगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर वेरीफाई नहीं करते तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो मेरे पास ईमेल आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको ईमेल में एक क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आप एक ब्राउजर में रिडायरेक्ट हो जाओगे, और जैसे ही आप उस ब्राउजर में रिडायरेक्ट होगे वहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको उसके अंदर एक OTP भरना होगा, जो OTP अभी आपके मैसेज में आया होगा, यानी कि मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पर फिल किया था उस नंबर पर आपको एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको भरना है, और जो कैप्चा कोड नीचे दिया गया है वो उसके सामने भर देना है, और आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, यानी कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली कन्फर्म्ड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लॉगिन डिटेल्स दी गई है, मैं यहाँ से एक बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि इनको ये जानकारी पहुँच जाए कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है, जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए मैं यहाँ पर ये ईमेल आईडी फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से वो पासवर्ड भरना होगा जो पासवर्ड आपने अकाउंट बनाते समय क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पर ये पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भर देना है। ये कैप्चा कोड सभी के वक्त अलग अलग आता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है। मैंने अपनी सभी जानकारी भर के लॉगिन कर दिया है। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि भी आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 12th डिप्लोमा मार्कशीट, यहाँ पर आपको दिया तो 12th की या फिर डिप्लोमा मार्कशीट अपलोड करनी होगी, और उसका जो ओरिजिनल पीडीएफ है वही आपको अपलोड करना होगा, और पीडीएफ का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चूज फाइल करके अपने जो पीडीएफ है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको भी यहाँ पर अपना पीडीएफ अपलोड कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर परसेंटेज बाय मार्क्स या फिर सीजीपीए, तो मैं मार्क्स के अनुसार देने वाला हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने थे, तो 100 में से मुझे कितने आए थे वो यहाँ पर मैं लिख देने वाला हूँ। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। हिंदी में भी 100 थे और कितने आपको आए थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मुझे 86 मार्क्स आए थे। फिजिक्स में कितने में से आए थे वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद केमिस्ट्री कितने में से और कितने आपको आए थे वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। मैथ्स 100 और कितने आपको आए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। उसके बाद बायोलॉजी अगर आपका था तो यहाँ पर फिल कर देना है, अगर नहीं था तो आपको खाली छोड़ देना है। क्योंकि मेरे पास पीसीएम था तो इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही मेरे सब्जेक्ट है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट था आपको उसके सामने इसी तरह से जानकारी भर देनी है। अब यहाँ से दिया गया सिलेक्ट सब्जेक्ट टू कंसिडर इन परसेंटेज ऑप्शनल, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जो कि परसेंटेज कंसिडर करिए। ऑप्शनल है, आप इसको कर भी सकते हो या नहीं भी। अगर आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट था, कुछ सब्जेक्ट तो यहाँ पर दिए ही गए हैं, अगर इनमें से आपके पास कोई सब्जेक्ट था वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, आपकी मार्कशीट के ऊपर एक सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। क्योंकि अगर आपके पास मार्कशीट अभी अवेलेबल है तो आपको वहाँ से वो नंबर फिलअप कर देना है। स्टेट कंडक्टेड एग्ज़ाम, कौन सी स्टेट में आप अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर ये मान लीजिए कि कौन सी स्टेट में आपने एग्ज़ाम दिया था 12th का। इसके अलावा बोर्ड कंडक्टेड एग्ज़ाम, कौन से बोर्ड से आपने अपनी 12th पास की थी, तो मैंने यूपी बोर्ड से अपनी 12th पास की थी। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो आपको आपसे यही पूछा जा रहा है। इसके बाद 10th की जानकारी मांगी जा रही है, इसी प्रकार से आपको 10th की जानकारी भरनी होगी। आपसे मार्क्स पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, पर टोटल मार्क्स यहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। तो 600 में से मुझे आए थे 44, तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से फिलअप कर दी है। परसेंटेज बेस्ड ऑन मार्क्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर देना होगा। इसके बाद स्टेट कंडक्टेड एग्ज़ाम, कौन सी स्टेट में आपका 10th का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उत्तर प्रदेश ही मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ। यहाँ पर बोर्ड कंडक्टेड एग्ज़ाम, आपने किस बोर्ड से अपनी 10th पास की थी, तो ये भी मैंने यूपी बोर्ड से की थी, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। 10th मार्कशीट, यहाँ पर आपको अपनी 10th मार्कशीट इसी प्रकार से पीडीएफ फाइल में अपलोड करनी होगी, जैसे आपने अभी 12th की मार्कशीट अपलोड की है। तो यहाँ पर ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है, और करने के बाद इसके बाद नीचे दिया गया है पासिंग सर्टिफिकेट ओनली पीडीएफ, इन केस ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट नॉट इश्यू बाय योर बोर्ड यू नीड टू अपलोड योर मार्कशीट अगेन। यहाँ पर दिया गया एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी 10th की मार्कशीट ही दोबारा से अपलोड कर सकते हो, और ये आपको करनी होगी क्योंकि इसके सामने स्टार का चिन्ह दिया गया है। तो मैं यहाँ पर फिर से पीडीएफ फाइल जो मेरी 10th की मार्कशीट है वही अपलोड करने वाला हूँ। करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो भी यहाँ पर आपके सामने दिया गया हो।
तो ये मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपने जो जानकारी यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है, और अगर आपको लगे कि जो आपने जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है तो ये जांचने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा योर एजुकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी सभी जानकारी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितनी भी करंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके सामने होगी, पर उसके पहले यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अब आपको अपनी एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है, तो यहाँ से मैं अपनी एड्रेस की जानकारी फिलअप कर दे रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से फिलअप कर देनी है। अगर आपका एड्रेस थोड़ा लॉन्ग है वो आपको यहाँ से, तो एड्रेस लाइन 2 का भी उपयोग कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, आप किस स्टेट से, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ, ये मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर पिन कोड भरने वाला हूँ, आप अपने पोस्ट का पिन कोड यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद अगर आप अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हो यहाँ पर वो भर सकते हो, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, अगर अलग है तो आपको अलग भर देना है। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैं आपको बता दूं कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो ब्लू बैकग्राउंड का होना चाहिए। मैं आपको यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जैसे ही आओगे, यहाँ पर दिया गया फोटोग्राफ, दी फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड शुड बी गुड क्वालिटी विद ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि जो आपका फोटो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लू हो, यानी कि नीला हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको नीले बैकग्राउंड वाला ही फोटो अपलोड करना है। अगर आप नीले बैकग्राउंड वाला फोटो अपलोड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल चूज करने वाला हूँ, और साथ ही आपका जो इमेज का साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। मैं यहाँ पर भी एक रैंडम इमेज ही अपलोड करने वाला हूँ, पर आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा फोटो अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड ब्लू हो यानी कि नीला हो। अब आपको यहाँ से अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। मैं यहाँ से अपने सिग्नेचर, एक मेरे पास रैंडम सिग्नेचर है, ये अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद स्टेट रेजिडेंट प्रूफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में डोमिसाइल बोलते हैं वो अपलोड करना होगा, और जिसका जो साइज है यानी कि फॉर्मेट है वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल करके पीडीएफ फाइल वाला अपना डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया, और करने के बाद इसके सामने कैप्चा कोड दिया गया है, ये सभी के वक्त अलग अलग आ रहा है जैसा कि आप सब जानते हो। तो ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपने जो जानकारी भरी है उसको एक बार चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर आया है योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करना है। करंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आप ऑफिसर के अंदर जो टाइटल दिया है इसमें देखोगे PC 10+2 BTEC 7/2020, ये आप यहाँ पर देख पाओगे। इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए हैं 29 नवंबर से, और आप लोग 19 दिसंबर 2019 तक अप्लाई कर पाओगे। और मैं आपको बता दूँ कि जिनकी प्रोफाइल में ऑफिसर पोस्ट पर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जानकारी उन्होंने रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक भरी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, और इसका कोई रास्ता नहीं है कि आप इसमें आवेदन कर सको। तो इसका मतलब यही होता है कि आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। पर जिनकी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर यह लिंक आ रहा है तो उनको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको इनको तीनों के ऊपर राइट टिक करना है, और ये करने के बाद आपको नीचे आना है और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर बेसिकली आपने जितनी भी जानकारी अभी तक रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की है वो सभी जानकारी आपको कंफर्म करते रहना है। जैसे कि पहला जो आपका ऑप्शन है वो है पर्सनल पर्टिकुलर्स, यहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी है। अगर आप इन जानकारी में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप बैक में जा करके कर सकते हो, पर यहां पर आपको इन सभी जानकारी को कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म करने के बाद आपको नीचे इसके ऊपर राइट टिक करना है, और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक
क्लिक करने के बाद आपके सामने एजुकेशन पर्टिकुलर्स की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको पांचों सब्जेक्ट के ऊपर राइट टिक कर देना है और फिर आपको नीचे आना है और इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे JEE रैंक डिटेल। अब दोस्तों ये क्या है, अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा और मैं यहाँ से आपको एक बार नोटिफिकेशन से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर JEE मेन 2019 फॉर BE BTech एग्जाम कल फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB विल बी इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन 2019, यानी कि इसमें आपका अप्लाई करना या फिर इसमें भाग लेना आपका जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। तो यहां पर आपको उसी की जानकारी देनी है, ऑल इंडिया रैंक यहां पर आपको दे देनी है, एप्लीकेशन नंबर आपका क्या था उसकी जानकारी आपको यहां पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद आप नीचे देखोगे टोटल 10th टोटल इंग्लिश मार्क, यानी कि आपके कितने इंग्लिश मार्क थे टोटल, तो आपको 100 डालना है, उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है और फिर आपको ये सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मिलिट्री रिकॉर्ड की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछ जा रहे हैं। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स बिफोर, क्या आप आर्म फोर्स से डिस्चार्ज हुए हो कभी, अगर हुए तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन इनरोल्ड इन आर्म फोर्स बिफोर, क्या आप कभी आर्म फोर्स के अंदर इनरोल्ड हुए, यानी कि उसमें आपने अपना नामांकन किया है, अगर किया है तो आपको यस करना, नहीं तो नो कर देना है। डू यू हैव नेशनल कैडेट कोर्प्स, यानी कि NCC सर्टिफिकेट, अगर है आपको तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अब ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स, यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को कंफर्म कर लेना है और फिर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगी मिस साइलेंसेस, जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, यानी कि आपने इस फॉर्म के बारे में कैसे जाना, तो यहाँ पर आपको इसमें से चूज कर लेना है कोई भी रीजन जिसमें आपने इसके बारे में सुना हो, तो आप यहाँ पर कोई भी चूज कर लेना, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी, यानी कि नेवी में आवेदन करने के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो यहाँ से आपको कोई भी रीजन चूज कर लेना जो कि यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपने अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हो व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके, कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सही भी है या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 7 ऑप्शन, जिसमें कि है इंडिकेट प्रेफरेंस, यानी कि आप किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेलर को आप कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो, आपको चूज करना है। अगर आप इसको पहले नंबर पर रखना चाहते हो तो आपको एक सेलेक्ट करना है, और जो आपका सेलर हाइजीनिस्ट है, अगर आप इसको तीसरे नंबर पर रखना चाहते हो तो आपको तीन सेलेक्ट करना है, अगर दूसरे पर तो दो सेलेक्ट करना है। सेलर MR को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको ये सब करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर प्रीव्यू के ऊपर आ जाओगे, जहां पर आप अपने फॉर्म के अंदर भरी गई सभी जानकारी को एक लास्ट टाइम चेक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हो। तो यहां पर पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर इसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल है जहाँ पर आप इनको कन्फर्म कर सकते हो, फिर आपका मिलिट्री रिकॉर्ड है, इसके बाद कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स है, मिससेलेंसियस है, डॉक्यूमेंट्स है, और इसके अलावा प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर आपको इन सभी को चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आना है और सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे एक बार और पूछ जाता है, आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन, क्या आप बिल्कुल श्योर हो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। यू कैन नॉट एडिट एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी कि इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कतई भी किसी भी स्थिति में एडिट नहीं कर सकते। और ये बात मैं आपको भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आपके कमेंट आते हैं कि सर बताइए हमारे फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो हम इसको एडिट कैसे करें, तो मैं उसका कोई आंसर नहीं देने वाला क्योंकि इसमें एडिट अलाउड ही नहीं है। तो यहां पर आपको यस कर देना है अगर आप बिल्कुल श्योर हो। दोस्तों प्रीव्यू चेक करने के बाद आपके सामने अगर आप यहां पर करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन पर आओगे तो आप यहां पर देखोगे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर चुके हो, और साथ ही आप यहां से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंडियन नेवी BTech एंट्री कैडेट स्कीम ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे।
पाओगे। और ये इसका पूरा प्रोसेस है जिसमें कि मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देने की कोशिश की है। अगर इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिले जिसमें कि एग्जाम सेंटर की जानकारी हो तो आपको उस ऑप्शन को नज़रअंदाज कर देना है, क्योंकि इसमें अगर आपके सामने उसका ऑप्शन नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शन अब हटा दिया गया या फिर इसमें आपको उसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।